हेलो फ्रेंड्स, एथन किंग पैरेट्स में आपका स्वागत है। जो हमारी वीडियो की टॉपिक है जो है आपको बजिस पैरेट्स के ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करवाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया हमने जो है वो वीडियो अपलोड नहीं की है ब्रीडिंग के हवाले से, तो आज जो है आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी चेक करवाएंगे। बजिस पैरेट्स ने कितने जो है वो बच्चे निकाले हैं, इस कॉलोनी में कितने पेड़ हैं आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं। इस कॉलोनी में जो है वो चार पेड़ हैं, दो फीमेल जो है वो मटकियों के अंदर है बच्चों के साथ, और एक पेड़ ये आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा होगा, ब्रीडर पेयर है माशाल्लाह। इसमें जो है तीन बच्चे भी निकाले हैं हैचिंग के, एक अंडा अभी भी इसका पड़ा हुआ, मैं आपको जो है वो अभी मटकी में दिखाऊंगा। मटकी की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और मज़ीद आपको जो है इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं और टॉपिक पर भी तो आप हमें ज़रूर जो है वो कॉमेंट सेक्शन में जो है अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। और जावा ने ब्रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है, पिछली वीडियो अगर आपने हमारी नहीं देखी तो उसमें जो हमने वीडियो है जावा की डाली है, आपने आपको हमारे जो है वो चैनल पे जावा भी जो है वो देखने को मिलेंगे। ब्लैक जावा भी हम जो है वो एक परचेज करके लेकर आए आ चुके हैं। तो चलते हैं अभी आज की हमारी जो वीडियो की टॉपिक वो जावा के ऊपर नहीं है, बजिस पैरेट्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस के ऊपर। तो चलते हैं अपनी जो है वो मटकियों की तरफ चलते हैं बजिस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये पहली मटकी है, इस मटकी की तरफ देखते हैं। माशाल्लाह इसमें जो है वो तीन बच्चे हैचिंग पे आ चुके हैं, जिसमें से अभी भी एक अंडा जो है वो पड़ा हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीडिंग प्रोग्रेस इस मरतबा इन तीन पेयर ने निकाली है, एक पेयर ने जो अभी तक ब्रीड नहीं की है। देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी और एक्टिव बच्चे हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह। ऊपर से भी ढक्कन खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको, इस तरह से जो है वो सही देखने को नज़र आ जाएगा। तो देख सकते हैं माशाल्लाह। चलते हैं अपनी जो है वो नेक्स्ट मटकी की तरफ चलते हैं, वो भी आपको जो है वो दिखा देते हैं। तो इस नेक्स्ट मटकी की तरफ आए हैं, तो इस नेक्स्ट मटकी में देखें कि माशाल्लाह इसमें भी जो है वो हैचिंग की है, रेड है इस बच्चा इस फीमेल ने निकाला है, बहुत ही ज़बरदस्त फीमेल, इसके साथ ग्रे कलर का मेल है। हैचिंग पे इसने एक अंडा हैचिंग किया है, जिसमें से एक बच्चा निकाला है। इसने तीन अंडे अभी भी इसके जो है वो पड़े हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश अंडे हैं, कोई ख़राब अंडा आपको नज़र नहीं आ रहा है। अगर कोई ख़राब अंडा होगा तो वो येलो येलो पीला पीला वो खुद ही पुराना सा देखने को नज़र आ जाएगा। देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह फीमेल जो है वो अंडों को अपने नीचे ले रही है स्काई के लिए। देख सकते हैं आप, ये देखें बहुत ही प्यारी, ये भी फीमेल है, रेडाइज बच्चा इस फीमेल ने भी जो है वो निकाला है। अब आ जाते हैं इस मटकी की तरफ, इस मटकी में जो है वो फीमेल बैठी हुई है, इसने भी जो है एक हैचिंग की है, एक अंडा ये हैचिंग की है, इसने भी बच्चा निकाला है। उसको भी थोड़ा सा जो है वो हिलाने की कोशिश करते हैं ताकि ये भी जो है अपना बच्चा दिखा दे हमें। इस फीमेल को भी थोड़ा सा उठाएंगे, देख सकते हैं नीचे आपको जो है वो दो तीन अंडे अभी भी पड़े हुए हैं, एक बच्चा जो है इसने हैचिंग भी निकाला है। देख सकते हैं फीमेल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि फीमेल को ज़्यादा डिस्टर्ब भी करें तो उससे भी ये होता है जो है वो बच्चे ये मार देती हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको जो है वो डिस्टर्ब नहीं करते। अगर आपकी किसी फीमेल ने इस तरह से अंडे या बच्चे निकाले हैं तो आप, अगर फीमेल नहीं हट रही है अंडों में से या बच्चों से, तो आप जो है वो ज़्यादा अपने पेरेंट्स को तंग नहीं किया करें, क्योंकि ये बजिस जो है वो बाकी परिंदों से बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ये अपने अंडे और बच्चों का बहुत ही जो है वो ख्याल करते हैं। अगर इनको कोई ज़्यादा तंग करे तो उससे ये होता है कि अपने जो है वो बच्चे भी खुद ही मार देते हैं और अंडे मटकियों से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। अक्सर लोगों के पास यही शिकायत आती है, मेरे पास कॉमेंट जो है वो यही आते हैं कि यार वो हमारे जो है बजिस पैरेट्स ने अंडे जो है वो फेंक दिए या अंडे ख़राब कर दिए या बच्चे जो है वो मार दिए। इस तरीके से यही होता है कि भाई अगर आप अपने जो है वो बजिस पैरेट्स को बार बार तंग करोगे, हर जो है वो दूसरे तीसरे दिन जाके या एक दिन में अगर अक्सर होता है, लोग देखते रहते हैं बार बार जाके, अक्सर नए शौकीन यही करते हैं, तो बाद में वो डिसाइड इसलिए हो जाते हैं कि यार हमारे बजिस पैरेट जो है वो अंडे निकाले तो हैं, वो अंडे निकाल के मटकियों से बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर थी, कुछ हुआ है आपको मैं कमेंट सेक्शन में नहीं अगर आप जवाब दे सका आपको आप वीडियो इस वीडियो में आपके जो है वो सारे जो है आपको इसके सवाल जो है मिल सकते हैं कि। और दूसरे नंबर पे अगर आपके बजिस पैरेट्स को बीमार है, वो मुरझाया हुआ है या अगर मोशन पे हुआ आया हुआ, तो आप इनको जो है वेब्रामाइन का जो है वो कैप्सूल दे सकते हैं पानी में मिला। इससे ये होगा कि पानी में मिला के देंगे तो आपके बजिस पैरेट्स जो है वो काफ़ी बीमारियों से जो इनके पेट के जो कीड़े होते हैं वो भी मर जाते हैं, ठीक है। बजिस पैरेट्स एक्टिव और हेल्दी रहते हैं, जैसे सकते हैं माशाल्लाह ये देखें ये ग्रीन कलर का पेयर जो है कैसे हेल्दी और एक्टिव है,
इसी तरीके से आप जो है वाटर में इनको ये वेब्रामाइन का कैप्सूल और जो चोक मिलता है इस तरीके का जो चोक होता है, आप इस तरीके का चोक जो है इसको लगा के जो है वो पिंजाली में रख सकते हैं। इससे होता है कैल्शियम इनका जो है वो पूरा होता है। और एक चीज़ मिलती है वह जिनको कहते हैं लाल कलर का नमक होता है, ठीक है, परिंदों का, वो भी आप इनके जो है वो ज़रूर केज में रखें, क्योंकि उससे भी खाते हैं, उससे भी इनकी जो है वो कैल्शियम दूर होता है। अक्सर लोग होते हैं कि मेडिसिन वगैरह यूज़ करवाते हैं अपने परिंदों को, जिससे क्या होता है कि आपके जो बर्ड्स हैं वो अंडे के दवाइयाँ खा के भी उससे क्या होता है कि आपके बर्ड्स जो है वो ख़राब हो जाए। कुदरती जो है इस तरीके से, जिस तरीके से आपको ब्रीडिंग नज़र आ रही है, इस तरीके से कुदरती अल्लाह की तरफ से जो ब्रीड आती है वो बहुत ही अच्छी ब्रीड आती है। तो आप इस तरीके से अपने परिंदों के साथ बिल्कुल भी भाई जुल्म ना किया करें, क्योंकि परिंदे जो होते हैं वो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, खुदा की रहमत होते हैं। खुदा की रहमत के साथ इस तरीके की जो है बाजारी दवाइयाँ ना खिलाया करें, लिहाजा इस चीज़ से गुरेज करें, क्योंकि अक्सर होता है लोग दवाइयाँ जो है खिला के भी अपने परिंदों को जो है वो बीमार कर लेते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें, हरगिज़ ना करें, क्योंकि अपने जो कुदरती होता है वो उसकी जो ब्रीड होती है बहुत ही ज़बरदस्त होती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो हमने आपके साथ जो है वो डिस्कस की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले जाएं। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, खुदा हाफिज़।